देखते ही देखते फिर एक साल गुजर गया। कुछ बातें कुछ यादें सब पुराना तो हो गया, लेकिन जाते जाते नई बातें नई सबक नई तजुर्बा सिखा के गया। कुछ पुराना दोस्त हाथ छोड़ के चला गया, कुछ नया दोस्त हाथ थाम लिया। तो हम सब मेरे दोस्त को बोलना चाहते विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो साथ मिल के आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग फिर से आ चुके और एक नया दबकदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। गाइस आज वाला गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भरा होने वाला है। तो आप लोग स्टार्टिंग में देख ही चुके होंगे कि कितना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, तो एंड तक ज़रूर देखना, आप लोग को देख के मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाता है बर्फीला गांव में। आप देखो गाइस इधर कोई बंदा नहीं आते, तो जल्दी से लूट करते और आगे पुश कर देते। तो देखो गाइस आगे क्या ही होता है। एक बंदा बॉट मारने के चक्कर में ओपन में चला आ जाता है, लेकिन गाइस उसका एक टीममेट हम लोग के ऊपर ही बैठा है और ऊपर से मेरा टीममेट आते आते नॉक भी हो जाता है। देन गाइस एक बंदा अंधे की तरह हम लोग के ऊपर पुश कर देता है। अब देखो गाइस क्या ही होता है। अब नीचे की साइड में सब कुछ क्लियर हो जाता है। देन गाइस हम लोग ऊपर चला जाते हैं क्योंकि एक बंदा ऊपर कैंप कर रहा है, तो चलो गाइस उसको पकड़ते हैं। कैंपर को मारने के बाद गाइस हम लोग का लूट तो कंप्लीट हो जाता है। देन गाइस आगे हम लोग पुश कर देते तो बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट हो जाता है। तो देखो गाइस आगे क्या ही होता है। क्लोजिंग करने के चक्कर में मेरा एचपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो जल्दी से हील करते हैं। देन गाइस आगे पुश करते हैं, तो देखो गाइस इन लोगों को कैसे मारते हैं। गाइस ये वाला 1v4 कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। देन गाइस इन लोगों का पेटी लूटते गाइस आगे वाला घर में जाते क्योंकि आगे की साइड में एक फुटप्रिंट आ रहा है। देन गाइस आगे जाके पता चलता है एक कैंपर भी, तो आगे देखो गाइस मजा आने वाला है। एक बंदे को तो नॉक कर देते, लेकिन गाइस दूसरा वाला बंदा बाहर ही कैंप कर रहा था जो हमें एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कोई बात नहीं गाइस, मेरा टीममेट्स उसको मार देता है, देन रिवाइव देता है, तो आगे जाके गाइस और भी बंदा मुझे स्पॉट होने वाला है। आगे वाले घर में मुझे एक बंदा तो स्पॉट हो जाते, देन गाइस आगे जाके उसको नॉक भी कर देते, लेकिन ये लोग पूरा स्क्वाड होता है। तो देखो गाइस क्या होता है। एक बंदे को तो नॉक कर देते, लेकिन गाइस दूसरा वाला बंदा मुझे नॉक कर देता है। तो मेरा टीममेट बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाइस हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया, तो बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन मेरा टीममेट बहुत कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं गाइस, रिवेंज तो जरूर ले सकते हैं ना, तो जल्दी से मर जाते। देन गाइस वापस आते, जितना भी दूर हो हम वापस जरूर आएंगे। हम लोग रिवेंज लेने के लिए गाइस सर्कल के बाहर आ जाते। देन गाइस आगे आके हम एक बॉट फायर करते, तो बंदा मेरे जाल में पूरा फंस जाता है। अब देखो गाइस ये वाला 1v4।
स्कॉट का आखिरी बंदा बचता है, लेकिन गाइस मेरे पास एक भी गोली नहीं होता तो इन लोग का क्रेट लूटते, देन गाइस मेरा रिवेंज कंप्लीट करते हैं। तुमको लगा था तुम लोग मुझे मार दोगे तो हम रिवेंज नहीं लेंगे, तुमको लगा था तुम लोग मुझे मार दोगे तो हम रिवेंज नहीं लेंगे, जितना भी दूर बन जाए सर्कल, जितना भी दूर बन जाए सर्कल, वापस भी आएंगे तुम लोग के साथ 1v4 कर लेंगे। गाइस अगर अभी तक मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, अगर कोई नया देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, भाई समझ के थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। देन गाइस हम लोग इधर से तो निकल जाते, देन स्कूल अपार्टमेंट जाते तो गाइस अलग एक कैंपर वाला स्क्वाड के साथ फाइट हो जाता है। तो देखो गाइस कैंपर वाला स्क्वाड का दिमाग ऊपर, गाइस दो ही बंदे का फुटप्रिंट आता है, तो मुझे लग रहा था गाइस दो ही बंदा, तो एक बंदे को ग्रेनेड से नॉक कर देते, देन गाइस पुश करने के बाद पता चलता है ये लोग पूरा चार होता है। बंदे ने तो मेरे साथ स्कैम तो कर देता है, लेकिन गाइस मेरा टीममेट डीबीएस से सब कुछ संभाल लेता है तो मुझे रिवाइव देता है। दिन गाइस इधर से निकल जाते तो अलग एक स्कैम में फिर से फंस जाते। तो देखो गाइस एक बंदा मुझे सामने जाके स्पॉट होता है, मेरे को इधर एक बंदा दिखा तो एक बंदे को नॉक करके फिनिश तो कर देते, दिन गाइस निकल नहीं जा रहे थे उसी टाइम पे आगे पीछे दोनों साइड पे इसका टीममेट्स आ जाते, तो हम पूरा फंस जाते। कोई बात नहीं गाइस फिर से मेरा टीममेट सब कुछ संभाल लेता है, लेकिन गाइस आगे से फिर से कोई ब्लेड के स्प्रे दे रहा है, तो अब इसको देखो गाइस कैसे मारते हैं। इस बंदे को तो नॉक कर देते, दिन गाइस हील करके पुश करने ही जा रहे थे उसी टाइम पे राइट साइड से गाड़ी आ गई। लेकिन बंदे अभी के लिए तो बच जाते, दिन हम लोग आगे वाले बंदे के ऊपर पुश कर देते। अब देखो गाइस आगे क्या ही होता है। मेरे टीममेट्स बोलते हैं और एक बंदा लेटा हुआ है, तो हम राइट साइड से रोटेशन मार के आगे तो जाते, लेकिन गाइस बंदा नहीं दिख रहा था, तो हम लोग निकल जाते इन लोगों को फिनिश करके, देन भाई और एक नागिन चच्चा हम लोग को आगे जाके मिल ही जाता है। नागिन चचा को मारने के बाद गाइस आखिरी एक स्क्वाड बचा था, लेकिन गाइस आगे जाके जो इंटेंस फाइट होने वाले मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। तो हम आगे स्क्वाड है उसके साइड में जा रहे थे तो एक गाड़ी आ जाती जो होता है बंदे का आखिरी स्क्वाड। अब गाइस इन लोगों का दिमाग देखना, मेरे पे इधर से आओ मैं उधर देखता हूँ, इधर से आपको एक को नॉक दे दोगे, इधर मेरे पे देख के देख के ऊपर बता ना, रुको 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 आओ उधर देखो फिर चढ़ के अजीब सी मार दे, अरे नीचे देखो ना इधर से आया, देखो सीढ़ी पे आया बंदा ग्रेनेड मॉली का बारिश तो कर रहा है, लेकिन अभी दिमाग लगा के गाइस लेफ्ट साइड पर हिल पे जाना चाहते हैं क्योंकि उधर जाने से पूरा क्लियर दिखेगा, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना इन लोगों को जाने देंगे।
अब इस कोर्ट का आखिरी बंदा बचा है जो नीचे के साइड में होता है, तो चलो गाइस इजी पीजी नट्टू पीजी वाला चिकन डिनर लेते हैं। एक ये साइड से आया, देखो आ रहे हैं। आइए चिकन डिनर बोलते। तो चलो गाइस 23 किल के साथ ये वाला गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।